चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 22 आईएएस और 28 पीसीएस का तबादला हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव नमामि गंगे बने हैं, तो वहीं लघु सिंचाई भी अनुराग श्रीवास्तव के पास ही रहेगा। पंकज कुमार मुख्य सचिव बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ आमोद कुमार प्रमुख सचिव नियोजन बने हैं। इसके साथ ही साथ मोनिक गर्ग से महिला कल्याण विभाग हटाया गया है, मोनिक गर्ग को वेटिंग में अब रखा गया है। वहीं वीना कुमार मीणा को महिला कल्याण का भी चार्ज दिया गया है। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन भी वीना के पास ही रहेगा। इसके साथ साथ रोशन जैकब सचिव खनन विभाग बनी हैं। गौरी शंकर प्रियदर्शी कमिश्नर अलीगढ़ बनाए गए हैं। गौरव दयाल कमिश्नर चित्रकूट, अनीता सिंह प्रमुख सचिव पंचायती राज, दिनेश चंद्र सचिव सार्वजनिक उद्यम, गोविंद राजू निदेशक उद्योग कानपुर, शशि भूषण सुशील दुग्ध आयुक्त यूपी, इनके अलावा सत्येंद्र कुमार सिंह सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन, प्रांजल यादव राष्ट्रीय एकीकरण में विशेष सचिव बने हैं। तो ये वो नाम है जिनके आज तबादले किए गए हैं, ये वो प्रमुख नाम हैं जिनके आज तबादले किए गए हैं। तो आज पहले ही दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया गया है प्रशासनिक अमले में। तबादले जो हैं वो किए गए हैं और किन किन अधिकारियों के तबादले हुए हैं वो हम आपको बता भी रहे हैं इस वक्त। किसको कौन सा विभाग मिला है ये आपको बता रहे हैं। पंकज कुमार का तबादला हुआ है, आमोद कुमार प्रमुख सचिव नियोजन जो हैं बनाए गए हैं। इसी के साथ ही साथ मोनिक गर्ग को महिला कल्याण विभाग से हटा दिया गया है। वहीं आगरा के फतेहपुर सीकरी स्थित सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती की मशहूर दरगाह की दीवारों पर बनी सैकड़ों साल पुरानी शाही पेंटिंग भारतीय पुरातत्व की अनदेखी और रखरखाव ना होने की वजह से मिटने की कगार पर है। छत से पानी आने से पेंटिंग धीरे धीरे मिटती जा रही है। दीवारों पर लगे पत्थर टूटकर झड़ने लगे हैं। इस बारे में पुरातत्व विभाग में कई बार शिकायत की गई लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं। और नए साल के मौके पर आगरा में जिला जेल से 9 कैदियों को रिहा किया गया। ये सभी कैदी जुर्माना जमा नहीं होने की वजह से जेल काट रहे थे लेकिन एक समाज सेवी ने इन कैदियों का जुर्माना जमा कर दिया जिसके बाद इन सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा हुए कैदियों का कहना है कि अब वो फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें दोबारा जेल जाना पड़े। समाज सेवी आगरा के अपने पिताजी के 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 9 बंदियों का 1,366 रुपये जुर्माना जमा करके रिहा कराया। लगभग 4 सालों से बंद थे ये लोग जुर्माने के अभाव में, रेलवे एक्ट के लगभग मामले में लोग थे। उधर कौशाम्बी में मंगलवार की देर रात 4 बदमाशों ने बाइक सवार एक भट्टा मालिक से तमंचे के बल पर 2.25 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो सड़कों और घरों के बाहर खड़े वाहनों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के साथ मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस की माने तो ये गैंग पिछले कई महीनों से मेरठ और उसके आसपास के जिलों में काफी सक्रिय था जिसकी तलाश पुलिस को काफी समय से। वहीं औरैया में पुलिस ने एक फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी कंपनी बेला थाना इलाके के सहार में खोली गई थी। गिरोह के लोग महिलाओं को अपने जाल में
फंसाकर 45,000 का लोन दिलाने का प्रलोभन देते थे और उसके एवज में पहले 10,000 रुपए खाता खोलने के नाम पर लेते थे। गिरोह ने इस तरह से 45 लोगों के साथ ठगी की जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 लोग फरार हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को लैपटॉप, प्रिंटर और भरे हुए फॉर्म और कंपनी की फर्जी सील भी बरामद। उधर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में मंगलवार की रात दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और देखते ही देखते पथराव भी होने लगा। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने तमंचे से हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। वहीं पुलिस की कोई भी अधिकारी मारपीट को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों ने कुल्हाड़ी से तोड़कर एटीएम मशीन को लूटने की कोशिश की लेकिन बदमाश अपनी कोशिश में नाकाम रहे। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में जरूर कैद हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त एटीएम मशीन में लाखों रुपए थे। वहीं फिरोजाबाद में 20 दिसंबर को हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने करीब 200 लोगों को पाबंद किया है। ये नोटिस उन्हें दी जाती है जिनसे शांति भंग का खतरा होता है और इन्हें जमानत करवानी पड़ती है। लेकिन प्रशासन ने कुछ ऐसे लोगों को भी नोटिस भेज दिया है जो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर 90 साल से अधिक उम्र के हो चले हैं। ऐसे ही लोगों में बन्ने खां नाम के एक शख्स को भी नोटिस भेजी गई है जिनकी हकीकत में 6 साल पहले मौत हो गई है। वहीं सूफी अंसार हुसैन और मीर खां भी ऐसे 2 शख्स हैं जिनकी उम्र 90 साल से ऊपर हो चुकी है। इस बारे में जब जिला प्रशासन का कहना है कि अगर कोई गलत नाम संज्ञान में आता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। बाबू अच्छा वहीं गाजियाबाद पुलिस ने 3 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो विदेशों में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 90 पासपोर्ट, फर्जी वीजा, मुहर और कंप्यूटर स्कैन बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी अब तक करीब 250 लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर चुके हैं। पुलिस की माने तो इस तरीके से गैंग ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस तरह ये पूरा एक गैंग इनका ऑफिस साहिबाबाद हुआ करता था, वहाँ जब लोग वहीं जौनपुर के मीरगंज इलाके में साईं मंदिर के पास एक हाथी की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी को एक पेड़ से बांधा गया था लेकिन वो जंजीर तोड़कर पास से जा रहे बिजली के तार के पास पहुंच गया और करंट की चपेट में आ गया। सुबह मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वन विभाग को फोन कर घटना की सूचना दी। कन्नौज पुलिस ने एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले 5 हाई एजुकेटेड लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे एटीएम कार्ड मशीन से पैसा निकालने वाले लोगों को विश्वास में लेकर उनका एटीएम कार्ड लेकर बदल दिया करते थे और फिर उस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों का अकाउंट खाली कर दिया करते थे। कन्नौज में लुटेरों ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा कई राज्यों में भी एटीएम कार्ड लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होने वाले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए बिना लागत का अनूठा प्रयोग किया गया है। यहां बिना लागत के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से खाद बनाने का प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट से सॉलिड के साथ साथ लिक्विड फॉर्म में भी कीटनाशक मिल रही है जिससे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के कूड़े का निस्तारण हो रहा है। तो वहीं रेल परिसरों में लगने वाले पौधों के लिए खाद भी तैयार हो रही है, साथ ही रेलवे को पैसे की बचत भी हो रही है। रेलवे के अधिकारियों की माने तो इस प्लांट को रेलवे ने एक एनजीओ के साथ मिलकर लगाया है जिस पर बहुत लागत नहीं आई है।
ये किचन का बेस्ट मटेरियल है, जो सब्जी के छिलके वगैरह हैं उसको हम इकट्ठा करके और 50-60 दिन का हमारा प्रोसीजर है उसको पूरा करते हैं। और हमारी जो खाद है ये बहुत बढ़िया होती है, इसमें ये बहुत उपजाऊ है। बाहर से मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी, 200-250 रुपये किलो आती है, लेकिन यहाँ जो है लगभग फ्री हमें ये पड़ जाती है। ये 50 दिन का प्रोसीजर है इसका। ये पहले जो है रेलवे इसको फेंक देती थी और अब हमने इसको शुरू किया है तो अब ये हमारे सारा काम है। ये हम अभी रनिंग रूम में और स्टेशन के जो गमले लगे हुए हैं जितने पौधे उनमें सभी में डाला जाता है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम लौटेंगे ठीक 2:20 के बाद, तो बताएंगे आज 1 जनवरी से क्या कुछ बदल गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी सुबह आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रेलवे से जुड़ी हुई एक जरूरी सूचना आपको देते हैं। जो भी मिडिल क्लास फैमिली ट्रेनों में सफर करती है उन्हें खबर देखनी बहुत जरूरी है। नया साल आते ही भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का सफर भी महंगा कर दिया है। रेलवे ने प्रति किलोमीटर 1 पैसे से लेकर 4 पैसे तक किराया बढ़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। कृपया ध्यान दीजिए, आपकी ट्रेन का किराया बढ़ चुका है। नए साल पर आपके लिए सबसे बड़ी खबर भारतीय रेलवे की तरफ से आई है। नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के किराए में इजाफा करने की घोषणा की है। रेलवे का किराया बढ़ने का सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने 1 पैसे से 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक यात्री किराया बढ़ाया है। नॉन एसी सेकेंड क्लास ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है, जबकि एसी ट्रेन के किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए। रेलवे ने ये भी साफ किया है कि पहले से बुक टिकटों पर बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होगा। अब रेलवे की तरफ से बढ़ाए गए किराए को आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप पटना से दिल्ली स्लीपर क्लास से सफर कर रहे हैं तो 1072 किलोमीटर की दूरी के लिए अब तक आपको 470 रुपए चुकाने पड़ते, लेकिन अब आपको देने होंगे 481 रुपए यानी 11 रुपए ज्यादा। इसी तरह मेल एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब लगेंगे 511 रुपए यानी 11 रुपए ज्यादा। बढ़े हुए किराए का सबसे ज्यादा भार एसी में सफर करने वालों पर पड़ेगा। पटना से दिल्ली के बीच एसी 3 का किराया पहले 1320 रुपए था, लेकिन आज से टिकट मिलेगा 1363 रुपए यानी 43 रुपए ज्यादा। एसी 2 का किराया था 1895 रुपए, अब लगेंगे 1938 रुपए मतलब 43 रुपए ज्यादा। इसी तरह पटना से दिल्ली तक एसी फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए अब तक आप चुकाते थे 3230 रुपए, लेकिन आज से ये किराया होगा 3273 रुपए यानी 43 रुपए ज्यादा। वहीं अमेठी जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई को लेकर कहा है कि ये आईएसआई की तरह काम कर रही है और ये हमारे देश में आतंकवादी संगठन सिमी का एक नया रूप है। मोहसिन रजा ने पीएफआई को लेकर सतर्क रहने के साथ ही उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कह डाली है। जो इस तरह के संगठन में काम करते पाए गए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, जो उनसे सामग्री मिली है, उस सामग्री ने यह साबित कर दिया है कि देश में यही लोग अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, यही लोग गलत काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारी एजेंसियों ने बहुत तेजी से खुलासा किया, जिसकी वजह से इसका परिणाम ये रहा कि हमने दंगे पर 2 दिन में कंट्रोल पा लिया। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रेलवे के किराए में बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या पहुंचने वाले सैलानियों ने अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे के किराए में बढ़ोतरी का फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ाएगा। 1 पैसे सुनने में तो कम लगता है, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनों पर इसका बहुत बोझ पड़ेगा। सुनिए लोगों ने क्या कहा है। सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें यात्रा करने में अत्यधिक असुविधा होगी। आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो यात्रा करने के लिए निरंतर जो वृद्धि हो रही है उस पर जो है जब अधिभार पड़ेगा तो और त्रस्त होंगे, परेशान होंगे। हमारी जो है सरकार भले चाहे जिस क्षेत्र में जो है प्रगति कर रही हो,
लेकिन इन सब क्षेत्रों में आर्थिक मामलों में हमारी सरकार पिछड़ती चली जा रही है। आज यानी 1 जनवरी 2020 से कई चीजों में बदलाव हो गया है। नववर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें पीएफ, बीमा, ज्वेलरी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियम भी शामिल हैं। तो बताते हैं आपको ऐसे 6 बदलावों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आपको बताते हैं, आज से सिर्फ चिप वाले डेबिट कार्ड ही चलेंगे। बिना चिप वाले कार्ड अब काम नहीं करेंगे। पुराने डेबिट कार्ड से अब कैश नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा SBI से कैश निकालने के नियम भी बदल गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के लिए नए नियम हैं। बिना OTP के आप रुपए नहीं निकाल सकेंगे। बैंकों ने NEFT से भुगतान के नियम भी बदल दिए हैं। आज से NEFT पेमेंट पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पूरे हफ्ते 24 घंटे NEFT से आप भुगतान कर सकेंगे। भविष्य निधि को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कर्मचारी तय कर सकेंगे PF का अंशदान। 10 कर्मचारी वाली कंपनियां भी PF के दायरे में हैं। जीवन बीमा का प्रीमियम आज से महंगा होगा। क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा सोने चांदी के जेवरों पर भी हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में 1 साल तक छूट रहेगी, जबकि नए नियम से बढ़ सकती है गहनों की कीमत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आगरा की, जहां युवाओं की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोग एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई कर रहे हैं। आगरा के पश्चिमी पुरी चौराहा सिकंदरा थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी इसी इलाके में मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम, मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के साथ। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpgangaट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpgangaट्विटर।